ओए ओ भाई साहब कहाँ खड़े हो भाई। अरे शार्क खा जाएगा तेरे को, बोट में बैठ जा भाई। तो भाई कहाँ पे आए भाई, अपन लोग मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, अभी प्लेन में तो मैं क्रैश कर गया, मम्मी बचाओ मेरे को। अरे ब्रो टेंशन मत ले, तेरा भाई फ्रॉस्टी इधर है, चल 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 चप्पू उठा तू इधर। तो भाई पहले बताओ कहाँ पे भाई, शार्क वगैरह घूम रही है भाई, मेरे को नीचे बैठने का। अरे नहीं उठ उठ उठ, बताता हूँ तेरे को। देख भाई हम लोगों की ना प्लेन क्रैश कर गई है और अपन लोग भाई पानी में आ चुके हैं ब्रो। एंड यू नो व्हाट, हम लोग भाई सर्वाइव करेंगे गाइस। इस गेम का नाम है स्ट्रैंडेड डीप एंड वेलकम बैक टू द वीडियो गाइज। आज हम लोगों का मिशन है आइलैंड पे जाना और सरवाइव करना। वेल जब तक सरवाइव कर सकते तब तक करेंगे भाई, जल्दी चला बे, शार्क छेद कर देगी बोट के अंदर। तो भाई आपका हुकुम तराको पे सर जी, मेरे को आप जिंदा बचा लो, मैं आपको समुंदर से पानी में ले जाऊंगा भाई। अरे समुंदर से पानी में नहीं घोचू, समुंदर से आइलैंड पे ले जाएगा तू। वाह भाई ये तो सुनामी में ले जाएगा अपन लोग को। ऑलराइट तो लेट्स गो मिस्टर शार्क, आप यहां पे नहीं आ सकती है। ओके तो हमारा मंजिल गाइस सामने है, इस बीच के ऊपर हम लोगों को कदम रखना है और इंसान जाति के लिए सरवाइव करने का है। ऑलराइट तो यहां पे हम लोगों के पास बहुत सारे रिसोर्सेज भी है, आप लोग देख सकते हो। हमारे पास यहाँ पे इमरजेंसी फूड है, कॉम्पस है, बैंडेज है। तो एक काम करता हूँ फटाफट से मैं ये सब चीजें अपने पॉकेट में डाल लेता हूँ, नहीं तो पता चला चॉप का बच्चा इनको अपने पॉकेट में भर करके समुद्र में चला जाएगा, उसको शार्क खा लेगी और फिर हमारे रिसोर्सेज गायब भाई, लिटरली गायब। ओके तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने आइलैंड पे एंड लुक मेरे को पत्थर मिल गया चॉप। भाई बचा लो भाई, मेरी बोट अटक गई है। अबे घोचू कैसे चला रहा है भाई, उतर जा बोट से, आराम से लाके पार्क कर दे, सिंपल इज दैट। गाइस ये देखो इधर तो पत्थर ही पत्थर है, यहाँ पर गाइस सर्वाइव करने में बहुत ही ज्यादा मजे आने वाला है। और अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग यहाँ पर यार एक और पार्ट लेके आए इस वीडियो का, तो फटाफट से लाइक मार देना। ये एक नई सीरीज शुरू करने वाले गाइस हम लोग, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरटेनिंग, मजेदार और नेक्स्ट लेवल कॉमेडी होने वाली है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड गाइस कि आप लोग सपोर्ट करो। और अबे नूबड़े क्या कर रहे हैं, आना इधर। बोट भाई अटक गया भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं, आपकी कसम खा रहा हूं, बोट आगे ही नहीं बढ़ रही है। अच्छा ठीक है रुक, मैं धक्का देता हूँ तेरे को। ए भाई तू यार बोट मत चलाया कर यार, तेरे से होता ही नहीं है, फालतू का चलाता है तू। बोट भाई सही बोल रहा हूं, ये बोट भाई अपने दिमाग से चलती है भाई। अरे अरे अंदर नहीं बैठना है भाई, इसका मदद करना था। एक काम कर ब्रो, तू कुछ उसको उतर और धक्का दे, ठीक है। मेरे को भाई अभी वहां पे लिटरली जल्दी जल्दी चीजें इकट्ठा करनी है गाइस, नहीं तो रात हो गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑलराइट सो लेट्स स्टार्ट विथ, किससे स्टार्ट करें? ये देखो फाइकस ट्री है, इसको काटेंगे ना, चल काट के देखते क्या मिलता है भाई। लकड़ियां मिल जाए तो मजा आ जाएगा गाइस, लेट्स गो काटो भाई। अरे टूटना भैंस की टाइट, कितना मजबूत है ये। ओके फाइनली टूट गया गाइस, ये देखो यहां पे हम लोग को वुड स्टिक मिल गया। ओके प्रेस ई टू कलेक्ट फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके और एक और ट्री है गाइस, इसको भी तोड़ देते क्योंकि यू नेवर कैन हैव मोर वुड, ठीक है। वुड का यहाँ पे हमेशा कमी देखने को मिलता है गाइस, वुड का हर चीज में काम आता है, मतलब सर्वाइव करते समय आपको आग बनाने के लिए चाहिए, उसके बाद आपको घर बनाने के लिए चाहिए, उसके बाद जब आपसे बिना पूछे चॉप टट्टी करने भाग जाएगा समुद्र में, तब आपको उसको पीटने के लिए चाहिए। तो भाई बहुत कुछ है यार। फोर्ट भाई मैं समुद्र में नहीं टट्टी करूंगा, वादा करता हूँ भाई। हाँ ये हुई ना बात। ऑलराइट लेट्स गो, ये क्या कर दिया तूने, तूने तो बोट अटका दी। फोर्ट भाई आपने बोला पार्क कर दो, मैं अपने टकले पे उठा के ले आया भाई। अबे यार ये बच्चा कूल ही रह गया भाई, चलो कोई बात नहीं। तो गाइस हम लोगों को अभी काफी सारी चीजें मिल चुकी है, बट अभी के लिए हम लोगों के पास बेसिक सर्वाइवल टूल्स नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को घास इकट्ठा करनी पड़ेगी, फिर घास से अपन लोग रस्सी बनाएंगे और उन रस्सियों से गाइस हम लोग यहाँ पर एक्स, हैमर और बाकी बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। यहाँ पर डेफिनेटली ओ ये देखो क्रैब, मारो इसको भाई। पता आपको आप क्रैब को खा सकते हो गाइस। पोस्ट भाई तो आज रात में अपन लोग केकड़े खाएंगे क्या भाई? अरे तो क्या करेगा भाई, आज का खाना कुछ और नहीं है यार, केकड़े ही खाने पड़ेंगे। ऑलराइट लेट्स गो, फाइब्रस लीव्स मिल चुकी है, हार्वेस्टिंग का लेवल अप हो चुका है। ऑलराइट एवरीबॉडी तो हम लोगों को रस्सियां बनानी है, तो रस्सियों के लिए मैंने बहुत सारी फाइब्रस लीव्स इकट्ठा कर ली और रस्सियां बना करके हम लोगों ने फाइनली यहाँ पर रीडिफाइंड नाइफ बना लिया है गाइस। और ये जो नाइफ है, मतलब रिफाइंड नाइफ, ये जो नाइफ है गाइस ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जैसे देख तू जो चक्कू लेके भाई घूम रहा है छोटा सा, उससे कुछ नहीं होता, ये देख एक फटके में तोड़ दिया, देखा। तो भाई ये तो पावरफुल चीज है भाई, इससे तो हंटिंग कर सकते हैं अपन लोग। अरे ब्रो अभी अपन लोग एक्स बनाएंगे गाइस और उसकी पावर आप लोग देखना, ठीक है, मतलब यू विल बी अमेज्ड। इतना पावरफुल होता है ना एक्स, एक बार में भाई बड़े बड़े पेड़ों को काट देता है। सो गाइस अभी थोड़ा सा और अपन लोग को यहाँ पे खोजबीन करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, आप किसी भी आइलैंड पे पहली पहली बार आओगे तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी आपके लिए रिसोर्सेस तो छोड़ के जाएंगे नहीं, तो इसीलिए आपको अपने भाई अपने हाथों से मेहनत करना पड़ेगा। ओ वो देख कोकोनट, भाई 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 एक सेकंड, मेरे को पेड़ नहीं काटना है। ए इसमें पेड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं क्या? फर्स्ट बात देखो भाई ऑप्शन होगा। ओ यस व्हाट भाई, इतना ओपी गेम है यार, मेरा मन खुश हो गया भाई। गाइस यू कांट अंडरस्टैंड मैं कितना खुश हूँ। ये देख चॉप क्या मिला मेरे को, देख तेरे टकले फेंक के मारू क्या? तो भाई मेरा टकला आपको क्या गोल पोस्ट दिखाई देता है भाई, आप हर चीज फेंक के मारते हो यार मेरे को। अरे ठीक है भाई इतना रो मत, मेरा इन्वेंटरी भी भर गया है। डैम इट इस कोकोनट का क्या करूं भाई, इसको चेंज ही नहीं कर पा रहा, मेरे लकड़ी गिराना है भाई। अरे लकड़ी गिराने तो यार। तो भाई और ले जाओ भाई, लालची के जैसा सारा सामान भर लिया आपने अपने बैग में। ओ वो देख उधर एक और आइलैंड है ब्रो, अपन लोग उस पे भी चल सकते हैं। ऑलराइट तो गाइस इसको तो लगता है गिराना पड़ेगा, कोई बात नहीं, अभी के लिए अपन लोग थोड़ा सा और रिसोर्सेज गैदर करते हैं, उसके बाद मिलते हैं गाइस आप लोगों से। एंड गाइस शाम होने वाली है,
है। और सच बताऊं तो फाइनली हम लोगों ने भाई स्टोन की जो एक्स है वो बना लिए गाइस, देख रहे हो। अब मैं आपको इसका पावर दिखाता हूँ। राइट नाउ आई नीड कि मेरे को इस पेड़ को काटने का है, तो अपन लोग मस्त फटका देंगे इस पे। और अरे अरे चढ़ना नहीं है भाई, ये क्या कर दिया मैंने, मेरे को लगा उसके ऊपर कोकोनट्स हो गए गाइस, लेकिन कोई भी कोकोनट नहीं है ऊपर। तो अपन लोग सीधा इसको काट देते यहाँ पर बीच से। एंड ऑलमोस्ट टूट गया, ऑलमोस्ट टूट गया। टूटना भाई क्या कर रहा है। ओके 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 ओके, गिरने वाला है। गिर गया। अरे अरे ये क्या हो गया भाई, ये तो दूसरे पैर में अटक गया यार। तो भाई अब आपको दूसरा पैर भी काटना पड़ेगा, नहीं तो आप इसका नहीं निकाल पाओगे। अबे ये क्या नौटंकी है। अबे भाई अब दूसरा पेड़ भी काटो। चलो कोई बात नहीं यार, अब भाई दोनों पेड़ हो जाएंगे तो लकड़ियां ही लकड़ियां होंगी हमारे पास। और उसके बाद उन पाम ट्रीज के जो पत्ते हैं उनसे हम लोग ऐसा शेल्टर बनाएंगे। भाई भाई भाई, अरे अरे टकले पे गिरेगा क्या भाई साहब, अभी तो पूरा खोपड़ी फूट जाता मेरा। ओके गाइस जल्दी जल्दी इन पत्तों को यार अपन लोग को निकालना है। मेन रीजन गाइस मेरा यही था, ये जो पाम लीव्स है ना आप लोग यकीन नहीं करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे आइलैंड पर, क्योंकि आप इनसे ना अपने घरों की छत बना सकते हो गाइस। और जब तक आप घर नहीं बनाओगे ना आप गेम को सेव नहीं कर सकते। और अगर आप गेम को सेव नहीं कर पाओगे तो भाई आप मरे तो फिर गेम खत्म, फिर से आपको पूरी चीज स्टार्ट करनी पड़ेगी। और हाँ भाई मजा नहीं आता है। ऑलराइट तो लेट्स गो गाइस, हम लोग के पास यहाँ पर पाम लीव्स हो चुकी है। अब मेरे को ना एक सिक्योर लोकेशन ढूंढनी है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने ना फायर के लिए कैंप फायर लगा दिया है, लकड़ियां लगा दी है गाइस, लेकिन मेरे को आग लगाना है अभी। आग चॉप लगाएगा गाइस, तब तक अपन लोग यहाँ पर सारे के सारे रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहे हैं जो भी चीजें हम लोग को चाहिए घर बनाने के लिए। तो गाइस अभी ना अपन लोग के पास इतना सारा पाम लीव हो चुका है कि मैं दो दो घर बना सकूं, लेकिन चॉप लकड़ी भाई लकड़ी, अच्छा हाँ लकड़ी भी तो है मेरे पास इनफ, चॉप भी अगर लकड़ी काटेगा तो हो जाएगा। बट गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है लैशिंग्स, और लैशिंग्स इस गेम में रस्सी को बोला जाता है। और रस्सियां भाई हर हर लाइक हर आइलैंड पे लिमिटेड है भाई, उनके लिए आपको भाई मतलब घास फूस तोड़ना पड़ेगा, यूका ट्रीज काटना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होता है भाई रस्सियां ढूंढने में। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, अपन लोग किसी तरह जुगाड़ कर लेंगे और उसके बाद सर्वाइव करेंगे भाई। मतलब आज रात के पहले हम लोगों का घर रेडी हो जाना चाहिए चॉप, समझ गया। और तो भाई मेरे को भूख भी लग रही है, बचाओ भाई। अरे ऐसे भगता हुआ आ रहा है पागल है क्या, मैं क्या तेरे को भाई उठा के शार्क खिला दूं क्या भाई साहब, कुछ भी बोल रहा है। खाना भाई, आग लगाना, आग लगा देगा तो फिर प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी हमारी। और तो भाई आप क्या करो, कंपास निकाल करके भाई, कंपास डाल ले भाई अपने जेब में डाल ले, मेरे पास जगह नहीं है। ऑलराइट गाइस सो मैं मिलता हूं आप लोगों से थोड़ी देर बाद, अभी थोड़ा और प्रिपरेशन करना बाकी है, उसके बाद अपन लोग आपको फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं। तो भाई ये देखो भाई आग लगा दी अपुन ने, ओ लेट्स गो, ये हुई ना मर्दों वाली बात। ओके तो गाइस अब खाने का समय आ चुका है, एक्चुअली भूख बहुत लगी है। इसको कैसे खोले भाई, तो भाई जमीन पर रखो मारो फट से ना। ओके तो इसको फट से मारना है, ये ले एट टूट जा भाई। ओ ये देखो ड्रिंकेबल। ओके पानी पी लिया गाइस, नाइस नाइस, फाइनली मेरे को यार हाइड्रेशन मिल गई, इतनी देर से पानी नहीं मिली। एक तो गाइस आप लोग यकीन नहीं करोगे समुंदर में पानी खोजना ऑलमोस्ट सबसे इंपॉसिबल कामों में से एक है, मतलब यार रेन वाटर और कोकोनट वाटर यही बस हम लोगों के पास ऑप्शन है। और देखो पानी पीने के बाद ना अपन लोग कोकोनट को चबा भी सकते हैं गाइस, और मेरे को सच बोलूं तो कोकोनट का टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को भी लगता है तो कमेंट सेक्शन में कोकोनट ओपी लिखो। और अब मैंने यहां पर यार फाइनली अपना कैंप फायर सेटअप कर लिया है, तो गाइस अभी टाइम है ना यहां पर एक्चुअली अपना शेल्टर बनाने का। और आप लोग को तो पता ही है यार, अबे चॉप तू क्या कर रहा है। फर्स्ट भाई मेरे को केकड़ा खाने का है भाई, मैं खोज रहा हूं रास्ता कैसे खाए उसको। अरे तो उसकी पहले चमड़ी निकालना, बहुत इजी है देख, इसको पकड़ने का ठीक है। और अरे नहीं ऐसे नहीं, इसको क्या आग में फेंकने का है क्या। फर्स्ट भाई आपने तो बोला उसको जमीन पर फेंको चमड़ी निकालो। हाँ ये हुआ ना बात। ओके चलो इसको मस्त जमीन पे फेंको और ये प्रेस ई, और उसके बाद भाई ये मिल गया इसका भाई मांस। और अब भाई देखो सर्वाइव करने के लिए केकड़ा फेकड़ा खाना पड़ रहा है। फर्स्ट भाई वो बड़ा केकड़ा मत खाना भाई, अरे खा लिया आपने मेरा केकड़ा भाई। अरे दे दूंगा तेरे को, तेरे पास कुछ और होगा, तू पत्तियां खा लेना। वाह फर्स्ट भाई मैं आपको गाय भैंस दिखाई देता हूँ क्या, पत्तियां घास फूस खाने को बोल रहा है, आपने मीट और कोकोनट खा रहे हो भाई, मतलब डेजर्ट भी खा रहे हो और मील भी खा रहे हो, मेरे को यहाँ पे घास फूस बोलते हो। सैलेड खाऊ मैं आइलैंड पे आके, फिटनेस मॉडल बनने का क्या फर्स्ट भाई। अरे अरे ठीक है भाई, तू तो पूरा एकदम सैड हो गया भाई। चॉप मेरे दोस्त रेडी हो जा ब्रो। फर्स्ट भाई क्या हुआ भाई, शार्क ने अटैक कर दिया क्या। अरे नहीं नहीं घर बना रहा हूँ भाई, शार्क कहाँ से अटैक कर देगी। ओके तो गाइस हम लोगों का घर का सारा मटेरियल हो गया है, और ये देखो कैसा लग रहा है चॉप। फर्स्ट भाई फटाफट से गेम सेव करो और सोने जाओ भाई। अरे हाँ वही कर रहा हूँ यार मैं गाइस, अगर सोएंगे नहीं ना तो लिटरली पूरी रात जागना पड़ेगा, और रात में जागना बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि रात में ठंड होती है और तो और आपको यार ज्यादा कुछ करने को मिलेगा भी नहीं। तो इसीलिए कोशिश करो कि रात में कुछ भी हो जाए सो जाओ जल्दी से घर बना के, अगर आप सर्वाइव करना चाहते हो एक रिमोट आइलैंड पर। तो फर्स्ट भाई मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी मीट खा लो भाई। हाँ यार मीट तो खाना चाहिए। अबे तूने आग क्यों बुझा दी। फर्स्ट भाई मेरे को लगता है सुबह हो गया तो आग बुझा दिया मैंने। अबे सुबह नहीं हुआ है बे पागल आदमी, सुबह के 4 बज रहे हैं। रुक 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 आग जला, फिर से आग जला भाई, बहुत बहुत दिक्कत हो जाएगा। चुप बात मान यार। फर्स्ट भाई चला रहा हूं, वैसे भी ठंडी बहुत ज्यादा लग रही है मेरे को, आप जैकेट लाए हो क्या। अबे भाई गुची प्राडा का रैंप वॉक चल रहा है, जैकेट लेके आओ पागल क्या।
क्या भाई, आसमान से टपके अपन लोग। ऑलराइट तो लेट्स गो। अरे फिर से आग बुझा दिया यार तूने। इस बार आपने बुझाया, मेरी गलती नहीं है भाई, हर बार मेरे को ब्लेम मारते हो, फिर से आग लगा देता हूं मैं। अरे ठीक है सॉरी भाई, गलती हो गया, मेरा गलती है, माफ कर दे ब्रो, जा आग लगा दे, बहुत बढ़िया। ओके तो गाइस अब टाइम है हमारा एकदम टेस्टी टेस्टी मीट खाएंगे। फोटो भाई आपको आइडिया है कितनी देर में पकता है? भाई आइडिया तो नहीं है यार, मतलब अंदाज से खाना पड़ेगा। फोटो भाई ज्यादा पका दिया तो जल जाएगा भाई, खा लो उसको। अरे भाई 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 ये कच्चा तो नहीं है? ओ नो भाई मैंने इसको कच्चा खा लिया। भैंस क्या उल्टी कर रहा है आग के ऊपर? फोटो भाई मेरी आग के ऊपर उल्टी मत करो, बुझ जाएगी तो फिर आप मेरे को जलाने के लिए बोलोगे यार। अरे अरे ठीक है भाई, तेरी आग के ऊपर नहीं कर रहा हूँ। भाई साहब देख लो कितना चिल्लाता है ये। ऑलराइट गाइस तो हम लोगों का खाना पीना यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और सच बोलूं तो व्यू भी बहुत ही मस्त लग रहा है। आप लोग देख सकते हो मून अभी जा रहा है और धीरे धीरे सनराइज होने ही वाली है गाइस। तो हम लोग भी यहाँ पर अपना बोरिया बिस्तर बांध करके मस्त रेडी हो चुके हैं नेक्स्ट वाले आइलैंड पर चढ़ने के लिए। तो चॉप रेडी है क्या, उस सामने वाले आइलैंड पर चलेगा क्या? फोटो भाई लेकिन वो तो अगली वीडियो में हो पाएगा ना भाई, इस वीडियो में कैसे होगा? हाँ गाइस एग्जैक्टली भाई, तो अगर आप लोगों को देखना है कि हम लोग उस आइलैंड पर चले तो फटाफट से इस वीडियो पे यार 50,000 लाइक्स कर दो, मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने कर दिया तो इस ऑसम गेम का पार्ट 2 लेके आएंगे। तब तक के लिए सनराइज के साथ स्टे फ्रॉस्टी।